एल का अमृत बाल यह प्लान आज 16 फरवरी 2024 को लॉन्च हुआ है इसका टेबल नंबर है आठ इसका घोष वाक्य है बड़े सपनों का रखे ख्याल अमृत बाल तो इसमें एंट्री एज जो दी है वो है जीरो ईयर लेकिन जीरो एकदम जीरो ईयर का जीरो का नहीं चलेगा उसको तीस दिन कम से कम पूरे हुए होने चाहिए बच्चे को उसको हम ये पॉलिसी दे सकते हैं कम से कम उसको तीस दिन होने चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो है तेरह साल तो लास्ट बर्थडे जो पकड़ा जाएगा तेरह साल मतलब जीरो से तेरह इस एज में हम लोग बच्चे को दे सकते हैं मिनिमम मेच्योरिटी एज है अठारह साल और मैक्सिमम मेच्योरिटी एज है पच्चीस साल ये दोनों भी लास्ट बर्थडे पकड़े जाएंगे मिनिमम पॉलिसी टर्म लिमिटेड पेमेंट के लिए है मिनिमम पॉलिसी टर्म दस साल और सिंगल प्रीमियम के लिए है मिनिमम पॉलिसी टर्म पाँच साल मैक्सिमम पॉलिसी टर्म जो है वो पच्चीस साल है इसमें जो लिमिटेड पेमेंट वाला अगर हम लोग ऑप्शन लेते हैं तो पीपीटी हम लोग लेंगे पाँच छः या सात साल की <coughs> मतलब लिमिटेड पेमेंट में जब आप ऑप्शन लेंगे तो पाँच छः या सात साल की आपको पीपीटी लेना है जबकि सिंगल प्रीमियम में तो ऑब्वियस है कि आपको एक ही बार पैसा भरना है इसमें मिनिमम सम ऑर्शोल्ड है दो लाख रुपये मैक्सिमम सम अशोट की कोई लिमिट नहीं है सम अशोट जो है वो दो लाख से चौबीस लाख तक पच्चीस हजार के मल्टीपल में है चौबीस लाख के ऊपर या पचास हजार के मल्टीपल में है इसके अगर हम लोग मोड की बात करें तो इसमें सिंगल प्रीमियम है जैसा कि हमने बात किया कि एक बार पैसे भरना है उसके अलावा ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली और मंथली मोड है लेकिन मंथली में केवल हम लोग नैच या सैलरी सेविंग स्कीम ही ले सकते हैं ये प्लान आज जो लॉन्च हुआ है इसका मतलब आ, सबसे बड़ा अगर हम लोग यू बात करें तो इसका यू है कि इसमें अस्सी रुपये पर प्रति हज़ार इसमें गारंटीड एडिशन है तो अस्सी रुपये प्रति हज़ार गारंटीड एडिशन रुपीज एटी पर थाउजेंड फॉर ईच कम्प्लीटेड ईयर और अगर ये पॉलिसी अप हो जाती है तो उसमें भी रिड्यूस अमाउंट में मतलब थोड़ा कम करके गारंटीड एडिशन मिलता रहेगा इसमें पीडब्ल्यू बीम प्रीमियम बेनिफिट यानी किस्त माफी योजना ली जा सकती है मैच्योरिटी पर बेसिक सम और गारंटीड एडिशन मिलेगा इसमें सेटलमेंट ऑप्शन भी है मैच्योरिटी पे भी हम लोग सेटलमेंट ऑप्शन और डेथ पे भी हम लोग सेटलमेंट ऑप्शन ले सकते हैं सरेंडर किया जा सकता है पॉलिसी को सरेंडर ऑप्शन अवेलेबल है लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है और लोन में एक खास बात इसमें दी है कि यदि गर्ल चाइल्ड के पॉलिसी पर लोन लिया जाता है तो उसे एक परसेंट इंटरेस्ट कम लगेगा अगर हम लोग इसके ओवरऑल यू की बात करें तो इसका यूएसपी नंबर वन है मैच्योरिटी एट क्रूशियल एजेस ऑफ अडल्टुड टू कवर वेरियस एजुकेशन मैरिज एंड अदर नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन एज 18 टू 25. फाइव सेकेंड मेच्योरिटी बेनिफिट इन लमसम और इन कन्वीनियंट इंस्टॉलमेंट्स थ्री मिनिमम पॉलिसी टर्म एज लो एज फाइव ईयर्स अंडर सिंगल प्रीमियम एंड टेन ईयर्स अंडर लिमिटेड प्रीमियम फोर लिमिटेड शॉर्टर प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑफ़ फाइव सिक्स सेवन ईयर्स एंड सिंगल प्रीमियम और फाइव है मिनिमम एंट्री एज इज जस्ट थर्टी डेज आफ्टर बर्थ तो इसको मैं हिंदी में बता दूँ कि इसका सबसे खास बात यह है कि एक तो इसमें अस्सी रुपये पर थाउजेंड गारंटीड एडिशन है तीस दिन के बच्चे से हम लोग ये पॉलिसी दे सकते हैं इसमें पाँच छः और सात साल की टर्म है जो कि बहुत शॉर्ट है और सिंगल प्रीमियम में तो पाँच की ही टर्म है मैच्योरिटी बेनिफिट को हम लमसम या फिर कन्वीनियंट इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं उसके बाद में ये जो क्रूशियल एज होता है अठारह से पच्चीस इसके बीच में हम लोग हमारी मैचोरिटी को डिज़ाइन कर सकते हैं तो इसमें जो एटी रुपीज़ पर थाउजेंड गारंटिड एडिशन है अगर पॉलिसी पेड अप हो जाती है तो वो भी लगभग पंद्रह रुपये से लेके कर अट्ठावन रुपये तक गारंटीड एडिशन के रूप में मिलता रहेगा उसके अलग अलग चार्ज हैं हम अभी उसमें नहीं जाएंगे इसमें प्रीमियम वेयर बेनिफिट अवेलेबल है कैन बी ऑप्टेड फॉर एनी टाइम ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ़ द चाइल्ड प्रोवाइडेड द आउटस्टैंडिंग प्रीमियम पेमेंट टर्म इज एट लीस्ट फाइव ईयर्स इफ ऑप्टेड एंड डेथ ऑफ द प्रपोजर ऑफकियर्स ड्यूरिंग द राइडर टर्म फ्यूचर प्रीमियम्स अंडर द पॉलिसी शैल बी वेवड अगर पिता जिसने पॉलिसी ली है प्रपोजल को कुछ होता है तो आगे की सारी किस्त माफ़ हो जाएगी इसकी जो मेच्योरिटी बेनिफिट है तो लिमिटेड पेमेंट में दो ऑप्शन है कि हम लोग जो है सम अश्योर्ड ऑन डेथ प्लस एक्ट गारंटीड गेर एडिशन हम लोग लेंगे तो इसमें मैच्योरिटी पे गारंटीड एडिशन और सम अश्योर्ड हमको मिलेगा उसके अलावा अगर हम लोग सेटलमेंट ऑप्शन की बात करें तो मेच्योरिटी को हम लोग पाँच दस या पंद्रह साल के सेटलमेंट पे ले सकते हैं उसके बाद में डेथ बेनिफिट को भी हम पाँच दस और पंद्रह साल के सेटलमेंट पे ले सकते हैं इसमें हाई सम्योर रिबेट भी है जितनी बड़ी पॉलिसी होगी उसमें उसका प्रीमियम का उतना आ, मतलब बेनिफिट मिलेगा कस्टमर को अगर पॉलिसी बेसिक समअ्योर सवा तीन लाख के अंदर है और एंट्री एज नौ साल तक है तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है वैसे ही दस से तेरह के लिए भी कोई बेनिफिट नहीं है ठीक है इसमें इसमें अलग अलग उन्होंने आ, आ, रिबेट जो हाई समोशोड रिबेट के लिए उन्होंने मेच्योरिटी एज अठारह से इक्कीस और मेच्योरिटी एज बाईस से पच्चीस ऐसे दो कैटेगरी गिराई है और मेच्योरिटी एज अठारह से इक्कीस में भी एंट्री एज अप टू नाइन और एंट्री एज दस से तेरह ये ऐसी दो कैटेगरी गिराई है सेम वैसे ही जहां मेच्योरिटी बाईस से पच्चीस के बीच में हो रही है वहां पे भी एंट्री एज अप टू नाइन और एंट्री एज दस से तेरह उनके लिए अलग अलग समोशोड रिबेट दिया हुआ है तो ओवरऑल अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें कि बच्चे की उम्र नौ साल से कम है और उसकी मेच्योरिटी अठारह से इक्कीस के बीच में आने वाली है तो सवा तीन लाख तक इसमें कोई बेनिफिट नहीं है मतलब रिबेट नहीं है साढ़े तीन लाख से पौने पाँच लाख तक टू पॉइंट सिक्स ये रिबेट है पाँच लाख से नौ पचहत्तर तक चार पॉइंट पचपन पर थाउजेंड ये रिबेट है दस लाख के से चौबीस पचास तक छः पॉइंट अस्सी और पच्चीस लाख के ऊपर आठ पॉइंट बीस तो मोटा मोटा अगर पॉलिसी 10 लाख के ऊपर जाती है तो इसमें प्रीमियम में बहुत सारी छूट मिल जाती है और अगर 25 लाख के ऊपर जाती है तो भी प्रीमियम में बहुत सारी छूट मिलेगी वैसे ही सिंगल प्रीमियम में भी सवा तीन लाख तक तो कोई छूट नहीं है साढ़े तीन से पौने पाँच लाख तक नाइन पॉइंट एट फाइव पर थाउजेंड पाँच लाख से नौ पचहत्तर तक सत्रह रुपये पर थाउजेंड दस लाख से चौबीस पचास तक पच्चीस रुपये अस्सी पर, पर थाउजेंड और पच्चीस लाख के ऊपर इकतीस रुपये पर थाउजेंड यानी सिंगल प्रीमियम में भी पाँच लाख के ऊपर की अगर पॉलिसी होती है तो उसमें काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा जो पॉलिसी निकाल रहा है सरेंडर का इसमें कि लिमिटेड पेमेंट की जो हमारी पॉलिसीज है उसमें सरेंडर दो साल बाद हो पाएगा और सिंगल प्रीमियम का है एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म तो सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी कभी भी सरेंडर की जा सकती है लोन लोन अलाउड विद इन सरेंडर वैल्यू तो अगर कोई पॉलिसी सरेंडर हो सकती है तो उसमें लोन भी मिलेगा तो लिमिटेड पेमेंट में आफ्टर टू फुल ईयर्स प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम में आफ्टर थ्री मंथ ऑफ कंप्लीशन ऑफ पॉलिसी और एक्सपायरी ऑफ फ्री लुक पीरियड विच एवर इज लेटर तो मोटा मोटा सिंगल प्रीमियम में तीन महीने बाद हम लोग लोन ले सकते हैं इंटरेस्ट रेट विल बी रिड्यूस बाय एडिशनल हंड्रेड बेसिस पॉइंट फॉर फीमेल चाइल्ड इफ लोन इज अवेल्ड फॉर एजुकेशन पर्पज अगर आपने पॉलिसी बेटी के नाम से ली है और उस बच्ची के एजुकेशन के लिए अगर आप लोन लेते हो तो आपको मोटा मोटा एक परसेंट ब्याज कम लगेगा यह पॉलिसी अगर गलती से बंद हो जाती है तो विद इन फाइव ईयर्स इसको हम लोग रिवाइव कर सकते हैं तो ये क्यों लेना चाहिए ग्राहक ने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो इसमें है गारंटीड एडिशन एट रुपीज हंड्रेड पर थाउजेंड पॉलिसी थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म इसमें अस्सी रुपये प्रति हज़ार के हिसाब से गारंटीड एडिशन है गारंटीड एडिशन एक्रूज इवन फॉर पेडअप पॉलिसीज अगर कि, किन्हीं कारणवश पॉलिसी पेडअप हो जाती है बंद हो जाती है दो साल भरने के बाद में तो भी उसमें गारंटीड एडिशन थोड़ा कम करके लेकिन मिलता रहेगा लमसम पेमेंट एट मेच्योरिटी विथ चॉइस टू रिसीव मेच्योरिटी इन इंस्टॉलमेंट फॉर फाइव टेन और फिफ्टीन ईयर्स इसमें लमसम मेच्योरिटी या टुकड़ों में भी मैच्योरिटी ले सकते हैं फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग जो उसके इंपॉर्टेंट एज है जैसे 18 से 25 के बीच में एजुकेशन मैरिज इत्यादि के लिए ये पैसा काम में आ सकता है तो अच्छी इसके माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग होंगी शॉर्टर प्रीमियम पेइंग टर्म कम से कम साल में ये पूरा पैसा भरना है और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी जो ग्रैंड फादर uh, या मदर है वो अपने जो नाती होते हैं उनको ग्रैंड चिल्ड्रन को सिंगल प्रीमियम पॉलिसी को ये लोग गिफ्ट कर सकते हैं तो ओवरऑल अगर हम लोग ये देखें तो एल में पिछले कई सालों से अस्सी रुपये पर थाउजेंड के हिसाब से कोई प्लान नहीं आया था तो ये काफ़ी अच्छा प्लान है और इसका आप सब लोग और स्टडी करिए ये अभी हम लोगों को आप प्राइमरी लेवल पे ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है नेक्स्ट वीडियो और आएगा जिसमें आपको और जानकारी दी जाएगी तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल एलेवन स्टार क्लब को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग जब सेकंड वीडियो बनाएँ तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके ओवरऑल देखने से ये प्लान काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसा कि हमने बोला अस्सी रुपये पर थाउजेंड इसमें जो गारंटीड एडिशन दिया गया है ये पिछले कई दिनों से इतना बड़ा गारंटीड एडिशन का प्लान एल ने नहीं दिया था तो ये काफ़ी अच्छा प्लान है इसको आप और स्टडी करिए और स्टडी करने के बाद आप अपने ग्राहकों तक इसको लेके जाइए धन्यवाद धन्यवाद